हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है एम या फिर एंड रिजल्ट या डेस्टिनेशन या गोल या ऑर्गेनाइजेशन कहाँ तक पहुंचना चाहता है वो होता है उसका एंड रिजल्ट। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन का सारा एफर्ट्स उस तरफ ही डायरेक्टेड हो। ऑब्जेक्टिव्स रीजनेबल होना चाहिए, इसका मतलब वो अचीवेबल होना चाहिए, वो फीजिबल होना चाहिए। एक रीजनेबल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को सेट करना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ओके रहे कि वो सारे लोग उसको मिलके अचीव कर सकें। फिर आता है ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कार ऑटोमोबाइल कंपनी का टारगेट 1 महीने का 1000 कार प्रोडक्शन होता है तो फिर उसमें वो 1000 कार बना सके। तो इसीलिए मेजरेबल दैट मीन्स नंबर में होना चाहिए ताकि कोई भी उसको आसानी से समझ सके और उसको अटेन कर सके। अभी आता है थर्ड पॉइंट अंडरस्टैंडेबल, दैट मीन्स सबको आसानी से ऑब्जेक्टिव कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ सके। फिर आता है ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली स्टेटेड, तो ये साफ साफ बोल दिया जाना चाहिए कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है। ज्यादा एम्बिग्यूस वर्ड में या ज्यादा जटिल करके उसको नहीं बताना चाहिए। सो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली स्टेटेड एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए थ्रू आउट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा सेट होता है। अभी चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। तो किसी भी मोबाइल कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि 10% या 20% लास्ट ईयर से ज्यादा उनका प्रॉफिट रहे या उनका 20% ज्यादा सब्सक्राइबर रहे। ये एग्जांपल हो सकता है ऑब्जेक्टिव का। अभी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप के होते हैं। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और तीसरा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है पैसे से रिलेटेड, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, ये होता है उसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बिजनेस सोसाइटी में रन करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेस को यूज करता है, तो इन टर्न उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सोसाइटी को कुछ दे, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे। एग्जाम्पल है जैसे कि वो अडल्ट्रेटेड फूड ना बनाए, वो पॉल्यूशन ना फैलाए, जितना हो सके पोल्यूशन को मिनिमम रखे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। अभी तीसरा है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, तो कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अटेन होने के साथ साथ उसका अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होता है, जैसे उसको कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स मिले, ये उसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अभी आते हैं पहला टॉपिक पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स 3 टाइप के होते हैं। पहला है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग का होता है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इससे क्या होता है कि वो मार्केट में लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव कर सकता है और प्रॉफिट से वो एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। नेक्स्ट है सर्वाइवल। तो सर्वाइवल का मतलब होता है कि बिजनेस को सर्वाइव करना है मार्केट में, इसके लिए वो जितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उससे उसको ज्यादा मिल जाए, उसका सारा कॉस्ट का खर्चा जो इन्वेस्ट किया है वो सारा निकल जाए, तो वो सर्वाइव कर सकता है मार्केट में। अगर घाटा हो गया तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसीलिए उसको सारे एक्सपेंसेस अपने जो है उससे उसको ज्यादा मिलना चाहिए, तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर सकता है। और तीसरा है हमारा ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जब सर्वाइव कर गया, उसको प्रॉफिट मिल गया, तो अभी तीसरा है कि उसको अभी ग्रो करना है मार्केट में, और ग्रो करने के लिए उसको क्या करना है, उसको एक्सपेंशन कर सकता है, डाइवर्सिफिकेशन कर सकता है। कुछ इंडिकेटर्स जो होते हैं ग्रोथ के वो है कि कंपनी का सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज कर गया या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ गए हैं, अभी मार्केट शेयर उनका इंक्रीज कर गया है, और या फिर उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स हैं ग्रोथ के लिए।